डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको नंबर थ्योरी का जो सेकंड चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं उसके बाकी जो क्वेश्चन हैं, जैसे थ्योरम्स हैं तो उनको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि अगर हमारे पास प्रूव करना हो, कोई थ्योरम दे रखी हो, उसका प्रूफ हम कैसे लेके आए। तो जैसे आपके मैथ में दे रखा है, क्वेश्चन है इफ ए कोंग्रुएंट बी मोड एम, मोडुलो एम, ठीक है, मोडुलो बोल सकते हो, एंड ए कोंग्रुएंट बी, ये दे रखा है आपको ए कोंग्रुएंट बी मोडुलो एम, ठीक है। और सेकंड है ए कोंग्रुएंट बी मोडुलो एन, ठीक है। और एंड ये बोल रखा है इसमें कि अगर m और n, अगर इनको मैं इनका जीसीडी निकालूं तो वन आएगा, देन प्रूव दैट a कोंग्रुएंट b मोड, और हमें प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ क्या करके दिखाना है कि a कोंग्रुएंट b मोडुलो m और n, m n, ठीक है। तो ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए जैसे आप लोग क्या दे रखा है कि a कोंग्रुएंट b मोडुलो m, ठीक है, और a कोंग्रुएंट b मोडुलो n, तो m और n का अगर जीसीडी निकालें तो वो आएगा, ठीक है। तो जीसीडी का भी मैंने आपको लेक्चर दे रखा है, अगर जीसीडी का नहीं पता तो आप एक बार उसमें से देख लेना, नहीं तो जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा आपको जीसीडी कैसे निकालते हैं। तो देखो, तो a कोंग्रुएंट b, यानी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि a कोंग्रुएंट b मोडुलो m, ये क्या होता है, a और b तो हमारे पास कोई भी दो इंटीजर होते हैं, ठीक है, और m यानी कि m मोडुलो m क्या होता है कि अगर a में से b को माइनस कर दे और उसको मैं m से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m डिवाइड बाई a माइनस b, ठीक है। तो m जो है a माइनस b को डिवाइड कर देता है और उसका रिमाइंडर जो है जीरो आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कोंग्रुएंट है, ठीक है, कोंग्रुएंस है। तो अब की बात देखो, इसका मतलब क्या है कि m जो है a माइनस b को डिवाइड करता है, और इसका मतलब क्या है कि n जो है a माइनस b को ये भी डिवाइड करता है। अगर m a माइनस b को डिवाइड करता है और n a माइनस b को भी डिवाइड करता है, यानी कि मतलब क्या है कि a माइनस b अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं और a में से b को माइनस करेंगे तो m हमारा कोई भी एक इंटीजर है, क्योंकि अगर दोनों का जीसीडी निकालेंगे m और n, ये हमारे पास 1 दे रखा है, ठीक है, यानी कि दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि m और n जो है सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो मैं a माइनस b को m मल्टीप्लाई बाई n अगर दोनों से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी हमारे पास क्या आएगा कि m और n अगर मैं दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं a माइनस b को, यानी इसे डिवाइड करूंगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि a जो है वो कोंग्रुएंट होगी b के और मोडुलो m है, ठीक है, और यही हमें शो करके दिखाना था। ये आप लोगों को पता चल गया कैसे क्या है कि m जो है a माइनस b को डिवाइड करता है और n भी a माइनस b को डिवाइड करता है, और दोनों का अगर जीसीडी देखें तो वो क्या आता है, 1 आता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, यानी कि सेम वैल्यू मान के चल सकते हैं, m is equal to m मान के चल सकते हैं यहां से, ठीक है। तो अब अगर m और n दोनों इक्वल है तो मैं am माइनस n, सॉरी mn दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो भी क्या होगा, a माइनस b को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इफ m कोंग्रुएंट b, m कोंग्रुएंट b मोडुलो m, और n जो है वो 0 से बड़ा है एंड n डिवाइड बाय n, n जो है m को डिवाइड करता है, तो प्रूव दैट a कोंग्रुएंस b मोडुलो n। तो ये हमें फिर प्रूव करके दिखाना है, यानी कि अब की बार आपके पास क्या दे रखा है, ये तो गिवन है, ठीक है,
ये वो दे रखा है ये, और हमें प्रूफ करना है ये, और गिवन में और क्या है, गिवन में आपके पास दे रखा है कि n जो है m को डिवाइड कर, ठीक है, और n जो है वो जीरो से ग्रेटर है, ये वैल्यू आप लोगों को गिवन दे रखी है, ये हमें प्रूफ करके दिखाइए। तो देखो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में m जो है वो डिवाइड करता है a माइनस b को, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं m जो है a माइनस b को डिवाइड करता है, और m अगर a माइनस b को डिवाइड करता है, और इसमें क्या बता रखा है कि n जो है वो m से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि m को अगर डिवाइड करें n से तो ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वही सेम कंडीशन है कि अगर m और n को दोनों को सेम मान लिया जा सकते हैं, इफ m और n अगर दोनों इक्वल है तो मैं m की जगह पर n भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो दोनों को डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 2/2 लिख सकते हैं आप लोग या 4/4 लिख सकते हो, ठीक है, तो m और n जो है इक्वल हो जाएंगे, यदि ये दोनों इक्वल है तो m की जगह पर मैं n भी लिख सकता हूं, तो m जो है a माइनस b को डिवाइड करेगा, और यही हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a कोवेरियंस b मोडुलो n, और यही हमें शो करके दिखाना था, ठीक है, पता चल गया कैसे शो किया है, कि अगर a कोवेरियंस b मोडुलो m दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस b को m डिवाइड करता है, और m और n, ये m जो है वो m को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम लेके चले हम, जैसे 5/5 लेके चले, तो 5/5 है तो इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, और सेम है तो m की जगह पर हम n भी लिख सकते हैं, तो m की जगह पर n भी लिख सकते हैं, तो n लिख देंगे तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो भी आपके पास जो इसका मेथड था कि किस बेसिस के ऊपर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो काम कर रहे हैं, ये जो प्रूफ कर रहे हैं कैसे करें। ये बोल रखा है इफ a कोवेरियंस b मोडुलो n, ये दे रखा है आप लोगों को a कोवेरियंस b मोडुलो m, एंड c कोवेरियंस b मोडुलो m, ठीक है, तो प्रूफ है, और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि a p कोवेरियंस, सॉरी a p प्लस c q, a p प्लस c q कोवेरियंस होगा b p प्लस d q मोडुलो m, और p और q जो है, p और q जो है ये इंटीजर दे रखे आप लोगों को, ठीक है, आपकी बात, तो ये दे रखे आपको a कोवेरियंस b के है, c कोवेरियंस d के है, तो ये हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप लोगों को पता है कि a माइनस b m जो है उसको डिवाइड करेगा, और यहां c माइनस d को m डिवाइड करेगा, यानी कि a माइनस b को भी m डिवाइड कर रहा है और c माइनस d को भी m डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि m दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको a माइनस b, अगर ये लेके चलते हैं a माइनस b मोडुलो m, ये दे रखा है, तो मैं किसको देखो, अगर दोनों तरफ मैं b से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि हमें a के साथ b लेके आना है, ठीक है, तो मैं b से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो a p इज इक्वल टू b p और मोडुलो m, ठीक है, याद है। ऐसे ही अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो c d, हमें लेके क्या रहा है c q, तो इसका मतलब क्या है, मैं दोनों को q से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो c q इज इक्वल टू d q और मोडुलो m, ठीक है, याद है, पता चल गया। अब देखो अगर मैं दोनों कंडीशन, दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो दोनों कंडीशन को इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ए पी, क्योंकि हमें ऐड करके दिखाना है, तो ए पी प्लस सी क्यू, ठीक है, और इज इक्वल टू, अगर इनमें से और इसमें से ऐड करेंगे तो बी क्यू मोडुलो एम और प्लस डी क्यू मोडुलो एम, ठीक है। अब मोडुलो एम को हम कॉमन निकालेंगे, यानी कि ए पी माइनस प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू प्लस डी क्यू और मोडुलो एम, ठीक है, और यही हमें
स्विचों पर क्या दिखाना था पता चल गया कैसे सो किया है। अब हमको ये पता लगना ये देखना है कि हमें लेके क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मैं m से डिवाइड करता हूं k माइनस p को ये भी लिख सकते थे लेकिन अब की बार हमें प्रूफ क्या करना है। अब की बार तो हमें जोड़ के अगर ये दोनों वेक्टर लेके आएंगे तो a p कहां से आएगा a है अगर मैं p से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों साइड तो क्या आ गया a p is equal to b cube b p और मोडुलो m ठीक है कोंग्रुएंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं c को q से मल्टीप्लाई करूंगा तो db q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो हमारे पास जो लेके आना है जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आप लोगों को यही दे रखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a कोंग्रुएंस b मॉडुलो m इफ एंड ओनली इफ ये कब होगा इफ एंड ओनली इफ ए एक्स कोंग्रुएंस बी एक्स मॉडुलो m x ठीक है फॉर नेचुरल नंबर x x कोई भी क्या है इन नेचुरल नंबर दे रखे आप लोगों को ये दे रखे ठीक है। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको आपको पता है कि अगर मैं a कोंग्रुएंस b है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि m जो है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा ठीक है a माइनस b को डिवाइड करेगा। तो हम इसके ऊपर कोई एग्जांपल लेके चलते हैं जैसे m की वैल्यू को कुछ भी लेके चलो और a और b की वैल्यू भी कुछ भी लेके चलो इंटीजर वैल्यू लेके चलेंगे तो मैं लेके चलता हूं जैसे 5 है m की वैल्यू मैं 5 लेके चलता हूं और यहां मैं 20 माइनस 10 लेके चलता हूं ठीक है। अब 5 जो है 20 माइनस 10 को डिवाइड करता है तो ये कंडीशन है। अब देखो अगर ये 10 इसको डिवाइड करता है आप लोगों को पता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि 5 ये 10 आ जाएगा तो 1/2 यानी कि 5 जो इसको पूरा डिवाइड करता है। ऐसे अगर मैं इसको किसी मल्टीप्लाई किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या डिवाइड करेगा यही देखना है। तो ऊपर तो हमारे पास 10 आ जाएगा और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा ये अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10/20 तो वही फिर वो यानी कि कोई चेंज नहीं होगा हमारे पास जैसे हमारे पास जो लेके चले थे वही टर्म अभी आ रही है। तो हम अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई भी नेचुरल नंबर के साथ तो मैं अगर इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो m x a माइनस b इंटू x हो जाएगा ठीक है। तो अब देखो अगर मैं x के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो m x a x माइनस b x या जाएगा आप लोगों के पास। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं कि ए एक्स कोंग्रुएंस बी एक्स और मॉडुलो एम एक्स तो यही हमें लेके आना था या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो आप लोग इसका उल्टा कैसे अगर मैं ये लेके चलू ए एक्स कोंग्रुएंस बी एक्स और मॉडुलो एम एक्स तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स में से बी एक्स को माइनस करेंगे तो एम एक्स से वो डिवाइड हो जाएगा तो एम एक्स से डिवाइड हो जाएगा अगर ए एक्स माइनस बी एक्स लेके चलते हैं तो ठीक है। अब अगर इसमें से x को कॉमन निकाल लेता हूं तो एम एक्स यहां पे आ जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स। अब यहां जैसे 2 से 2 मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करेंगे तो m से m x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा m डिवाइड बाई a माइनस बी m जो है डिवाइड करेगा a माइनस बी को ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं कि a कोंग्रुएंस b मॉडुलो m ठीक है। आप ये लेके चलोगे तो ये भी आ जाएगा बोल रहे क्या था कि ये कंडीशन कब होगी जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी ठीक है। तो एक बार तो आप लोग क्या करोगे ये कंडीशन लेके चला ठीक है तो हम ये लेके आ जाएंगे सॉरी ये कंडीशन लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा अगर ये कंडीशन लेके चलेंगे तो हम ये भी ला सकते ठीक है पता चलेगा कैसे शो करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ये पता लगाना है कि हमें शो क्या करना है तो जो भी हमें शो करना है कि उसकी कंडीशन क्या है उसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए उसी कंडीशन के अनुसार हम क्या करेंगे उसको शो करेंगे। अगर जैसे हमें x लेके आना था तो x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके पास एग्जांपल है कि कोई भी टर्म दे रखी हो तो हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को कुछ फॉर्म दे रखी है तो वो भी आप लोग इसी मेथड से सोल्व कर सकते हो
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि जीसीडी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।